सुनो, फ्रूट बास्केट और मिठाई के डब्बे जाके कार में रख दो। सीधे रखना, उल्टे पुल्टे ना हो, किसी को देने हैं। चल जल्दी जल्दी। अन्ना, अन्ना। यस सर। अच्छा मेक श्योर सारी गाड़ियां रेडी होना चाहिए, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ओके यस सर। हाँ माँ, मुहूर्त टाइम पे ही होगा, आप उसकी चिंता क्यों कर रही हैं? माँ, ये भी कोई कहने की बात है, आपके खोते की शादी बिल्कुल आपके आंखों के सामने ही होगी। हेरो से पहले ना हम आपको जरूर वीडियो कॉल करेंगे। अब फोन रखूं? थैंक यू। छोटी बहू के लिए सुंदर पायल है। थैंक यू सो मच भैया। यू आर मोस्ट वेलकम। भैया, क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? जो दिल चाहे बता, क्या कहना है? भगवान करे दुनिया की सारी खुशियां तुझे और भाभी को मिले। बात बोलूं भाभी, वैसे तो मेरी शादी होने वाली है, पर मैं आज भी वही रिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर रूडी हूं। और एक बात बताऊं, मैं हमेशा वैसा ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग हो मुझे समझाने के और मुझे संभालने के लिए। हम छोटे से थे जब हमने हमारा पूरा परिवार खो दिया, फिर बहुत साल पुलिस फोर्स में रहे, कोई सिखाने वाला तो था ही नहीं, इसलिए लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है हमें। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, किसी का ख्याल रखना, ये सब तो हमें आता ही नहीं है। बस आता है तो बस लाठी चार्ज, गोली मारना या अरेस्ट कर लेना। इसीलिए ना हमें लगता है कि रुद्र के लिए हमें झेल पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं जानता हूं कि कभी ना कभी गलती से मुझसे भी मिस्टेक होगी, तो एक प्रॉमिस कीजिए, अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो तो आप भव्या का ख्याल रखेंगी। कल मंडप में भव्या नहीं सौम्या बैठेगी, वरना शिवाय नहीं बचेगा। तो फिक्र मत कर, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अब प्लीज मुझे ना हिलाना बंद कर, तू ये मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, बहुत टाइम लगा मेकअप करने में, देखना।
लड़ाइयाँ होंगी, इश्यूज होंगे, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, अगर कभी हमारी किसी गलती की वजह से रुद्र हमसे दूर चला जाए या हम रुद्र से दूर चले जाएं, तो आप वापस ले आएंगे ना? रुद्र चाहे कितना भी बड़ा टफर हो, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। और अगर मानो तुमने उसे छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ? कभी ऐसे रोना मत और ये बेवकूफ वाली बात तो कभी मत करना। ओके प्रॉमिस।